दोस्तों क्या आप जानते हैं चांद का टेम्परेचर दिन के वक्त कितना होता है और रात के वक्त कितना होता है? और अकेला ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है? और कौन सा ऐसा जानवर है जिसे पहली दफा स्पेस में भेजा गया था और उसे जिंदा रिकॉर्ड भी किया गया था? और अगर आप नहीं जानते तो वीडियो पर बने रहिए, लेकिन उससे पहले तो वेलकम है फैक्टोपीडिया की नई वीडियो पे। इससे पहले कि हम फैक्ट्स का सफर शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर वन, सिर्फ वीनस ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। फैक्ट नंबर टू, अगर न्यूट्रॉन स्टार में से सिर्फ एक टीस्पून के बराबर उसकी मिकदार ले लें तो उसका वजन आपको पता है कितना होगा? उसका वजन 6 बिलियन टन के बराबर होगा। फैक्ट नंबर थ्री, वैसे सबको पता है जमीन सूरज से छोटी है, लेकिन क्या आपको पता है सूरज कितना बड़ा है? 1 मिलियन जमीनें भी सूरज के अंदर फिट आ सकती हैं, सूरज इतना बड़ा है। फैक्ट नंबर फोर, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि सबसे पहला कौन सा जानवर था जिसे स्पेस में भेजा गया था, तो गूगल आपको एक कुत्ते का बताएगी, डॉग लाइका, जिसे कि 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था, लेकिन असल में उससे 10 साल पहले 20 फरवरी 1947 को फ्रूट फ्लाई को स्पेस में भेजा गया था, जिसे कि जिंदा रिकॉर्ड भी किया गया था। फैक्ट नंबर फाइव, जून 18, 1983 को सैली रेड वो पहली अमेरिकन खतून थी जो स्पेस में गई थी। फैक्ट नंबर सिक्स, ये तो सबको पता है चांद पर सबसे पहला पांव नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं चांद पर जो फुटप्रिंट है वो 100 मिलियन इयर्स तक भी वहां रहेंगे। फैक्ट नंबर सेवन, नेपट्यून में एक दिन 16 घंटों के बराबर होता है और वहीं वीनस में एक दिन जमीन के 8 महीनों के बराबर होता है, और दोस्तों स्पेस में आवाज कैरी नहीं होती। फैक्ट नंबर एट, न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में 600 टाइम्स घूमता है, और वहीं प्लैनेट्स में जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा तेज घूमता है, जो कि 10 घंटों में अपनी रोटेशन पूरी कर लेता है। फैक्ट नंबर नाइन, सूरज से जमीन तक पहुंचने के लिए रोशनी को सिर्फ 8 मिनट्स और 19 सेकंड्स लगते हैं। फैक्ट नंबर टेन, चांद दिन के वक्त बहुत गर्म होता है और उसका एवरेज टेम्परेचर 224 डिग्रीज होता है, और रात के वक्त वो इतना ठंडा होता है कि उसका एवरेज टेम्परेचर -243 होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो घर का बता दे, मैं पूछने आ रहा हूँ वजह भाई की मसला है, उंगली दुखती है, सब्सक्राइब करते जानू मानू को आई लव यू लिखते, नहीं उंगली दुखती करो सब्सक्राइब।